बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सी स्नैक्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो उसके लिए मैंने 2 केले ले लिए हैं, जिनको मैंने ज़रा बड़े पीसेस में कट कर लिया है। तो अब हम इन केलों को ब्लेंडर में ऐड करेंगे। ये स्नैक्स हम ज़रा यूनिक स्टाइल में बना रहे हैं। तो केले ब्लेंड में ऐड करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ शुगर 2 टेबल स्पून, और अब हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, और साथ ऐड करेंगे आधा कप दूध। और इन सारी चीज़ों के बाद हम ऐड करेंगे आटा, मैंने गंदम का आटा लिया है 1 कप। तो अब हम इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे नए नाज़रीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ तक में बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और मुझे हौसला। तो इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है, इनको एक बॉल में ऐड कर देंगे। ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में हमें ये बैटर बनाना है। अगर आपको ये बैटर थिक लगे और अच्छे से ब्लेंड ना हो रहा हो, तो आप थोड़ा दूध ऐड कर सकते हैं, और या अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो आप इसमें मज़ीद थोड़ा सा आटा ऐड कर सकते हैं। यकीनन ये रेसिपी सबने पहले भी ट्राई की होगी, लेकिन हम ज़रा इसको डिफरेंट स्टाइल में बना रहे हैं, तो ये पहले से ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होगी। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बादाम, चॉप किए हुए बादाम 1 टेबल स्पून, और साथ में कोकोनट का बुरादा ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून। तो अब इन दोनों चीज़ों को भी अच्छे से इस बैटर में मिक्स करेंगे। इन दोनों चीज़ों के ऐड करने की वजह से ये बैटर पहले से ज़रा ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो फ्राइंग के लिए पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। तो अब इस तरह से हमने हाथ की मदद से छोटे छोटे से गुलगुले पैन में ऐड करते जाना है। साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने साइज़ ज़रा छोटा ही रखा था। फ्लेम को आपने लो टू मीडियम ही रखना है, फ्लेम को हाई करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करते जाना है, इस तरह ये बहुत अच्छे से अंदर तक कुक हो जाएंगे। तो एक साइड से ये तकरीबन कुक हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा से कलर आ चुका है। तो हमने गुलगुले जो हैं वो बहुत अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही अच्छा से गोल्डन कलर आ चुका है। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बाकी बैटर से भी हमने सारे गुलगुले फ्राई कर लिए हैं, तो इनको डिश आउट करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इनके ऊपर फाइनल इंग्रेडिएंट हमने कौन सा ऐड करना है। तो चीनी मैंने इसलिए कम ऐड की थी क्योंकि मैं लास्ट में इनके ऊपर तकरीबन 2 टीस्पून ऐसे हनी स्प्रेड करूंगी। तो हमने 2 टीस्पून हनी स्प्रेड कर दिया है, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा रखिएगा, वरना ये फीके लगेंगे। तो ऊपर से मैं कोकोनट का बुरादा ऐड कर रही हूँ। तो मज़ेदार से गुलगुले तैयार हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।